सो गाइस, आज किस वीडियो में हम जानकारी देने वाला है यामाहा स्कूटर, जैसे कि ये हो गया, ये अल्फा फैशनेबल मॉडल रे दोस्तों। इस तरह का जो मीटर पिनियन रहता है, जैसे देख पा रहे हैं, इस तरह का मीटर पिनियन फैशनों में, जो कि वोल मॉडल फैशनों में लगता है और रे में लगता है और अल्फा में लगता है, क्योंकि न्यू मॉडल का अलग होता है, ये ओल्ड मॉडल का इस तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दूसरा पिनियन इस तरह होता है, जैसे कि आप वीडियो देख के परचेस कर सकते हैं। इसके बारे में फुल जानकारी देंगे कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। जैसे कि ये मीटर पिनियन ख़राब हो जाता है तो हमें चेंज करना चाहिए, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ख़राब है या सही है। तो जैसे देख पा रही, इस तरह का इसका दांता है जो कि घिस जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका भी दांता है, वो घिस जाता है। ये तो उतना ख़राब नहीं है, फिर भी इसको हम चेंज करेंगे साथ में पूरा सेट। ठीक है दोस्तों, ये भी ख़राब है। ऐसे में ये जब ख़राब हो जाता है तो मीटर गियर जो है अंदर में केबल को घुमाता नहीं है, इसलिए हमें चेंज करना चाहिए। तो बहुत आदमी को चेंज करना आता नहीं है, क्योंकि अब देख पा रहे हैं जैसे कि ये होल्स है, इसके अंदर इस तरह का एक नट लगी हुई होती है, जो कि बहुत आदमी क्या करता है, इधर से ही चोट मारता है, जो कि ये ख़राब हो जाता है और निकल नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी देंगे कि कैसे फिट किया जाता है और इसमें क्या क्या वॉशर है। जैसे कि देख पा रही है, यहाँ पर तीन वॉशर है, एक लॉक है और इस तरह का नट होना चाहिए, और इस तरह का मीटर पिनियन और ये मीटर गियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ख़राब हो चुका है, इसलिए फाइनली हम नया हम डालने वाले हैं इसमें। तो वीडियो को स्किप ना करते हैं, पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको फुल जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और फिट करते हैं कैसे फिट होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा वॉशर किधर लगाना चाहिए वो दिखाते हैं। जैसे ये देख पा रही, इसका ये दांता है वो कितना अच्छा है, और इसका जो है घिस चुका है। ठीक है दोस्तों, इसलिए काम नहीं करता है। तो हम फाइनली इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस वाले पिनियन को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाली छोटी वाली वॉशर बाहर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि इधर हल्की सी ग्रीस लगा लेते हैं पहले। ग्रीस लगाने के बाद इसमें भी लगा लेते हैं इधर का मीटर पिनियन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वॉशर जो है अब इधर लगा देना है बाहर साइड में। फाइनली हम जो है इस तरह फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख पा रही है, इस तरह ये होल्स में लगाते हुए फिर इधर का ये होल्स है, देख पा रहे होंगे ये वाली होल्स में अंदर को बैठाना है सही से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बैठ चुका है, उसके बाद हमने पहली वॉशर लगा दिया था छोटी वाली, तो इस वाले नट को लगाना है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसका थ्रेड होता है, और इस वाले नट को लगाने के लिए हमें इस तरह का एक पुलर चाहिए होंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि ये इस तरह का दो पॉइंट वाली पुलर, जो कि इसमें खांचा होता है नट में, खांचा में फंसाते हुए सही से टाइट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये टाइट हो रहा है, फाइनली ये टाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, सही से टाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें इस वाले पिनियन को चला के देखना है कि फ्री चल रहा नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये देख पा रही है, एकदम फ्री होना चाहिए, जैसे कि ये घूम रहा है
फिर ये, उसके बाद हमें इस वाले पिनियन को फिट करना है। उससे पहले इस तरह का एक वॉशर पहले लगा देना है इधर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इधर भी ग्रीस लगाना है, क्योंकि ग्रीस रहेगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, अब ग्रीस नहीं रहेगा तो जाम होने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फाइनली अभी इस वाले जो गियर है मीटर गियर, इसको हम बैठाएंगे, फिर चला के देखना है इसको भी। तो जैसे कि ये सही घूम रहा है, ठीक है दोस्तों, ये सही काम कर रहा है। उसके बाद इस तरह का वॉशर है जो कि लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फाइनली इस वाले लॉक को इधर खाँचा होंगे उसमें हमें फिट करना है लॉक प्लेयर की मदद से। उसी इस तरह का लॉक प्लेयर है, तो इसकी मदद से हम फिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये बैठ गया है, अब ये लॉक जो है बैठ गया। उसके बाद ये मीटर जो गियर है ये अपने बाहर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये देख पा रही है सही गियर, हम मीटर गियर सही चल रहा है। ये इस तरह आप भी फिट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो देख के पूरी जानकारी मिल चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।